50 खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से खबर हमें मिल रही है जहां एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टल गया है। विमान में सवार 298 यात्रियों की जान बाल बाल बची। सऊदी एयरलाइंस के विमान में तकनीकी कारणों से एयर प्रेशर कम हो गया था, इस बात की जानकारी मिल रही है। हालांकि वक्त रहते विमान की सेफ लैंडिंग करा ली गई। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवेन श्रीवास्तव मौजूद है इस वक्त। शिवेन, क्या घटनाक्रम हुआ? देखिए मनाची, सुबह की बात है जब ये इस विमान में तकनीकी खराबी की शिकायत आई थी और उसके बाद एटीसी और दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट को अलर्ट किया गया और फौरन बाद ही जो प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए थे वो लिए गए। हालांकि फिलहाल जो सूझबूझ थी, जो टेक्निकल स्टाफ थी, उसकी अलर्टनेस की वजह से इस हादसे को टाल दिया गया और फिलहाल किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर ये तकनीकी खराबी ठीक नहीं होती और अगर कोई चूक हो जाती है तो काफ़ी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी और इसी को टाला गया है और ये बहुत बड़ा कदम है जो एटीसी और तमाम जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी अलर्टनेस की वजह से हादसा टला है। बिल्कुल, इसे गनीमत कहा जाए कि वक्त रहते इस पर फौरन एक्शन लिया गया और एक हादसा होते होते टल गया। 298 यात्री सवार थे, यकीन मानिए इन सब की जान यहां पर बाल बाल बची है। श्वेन, शुक्रिया आपका इस जानकारी। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। बड़ी खबर राजस्थान के पोखरण से, जहां खुफिया एजेंसी ने जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस संदिग्ध व्यक्ति का नाम मोहम्मद शाहिद गिलानी बताया जा रहा है। फिलहाल उसे पूछताछ उससे की जा रही है, लेकिन राजस्थान के पोखरण में ये गिरफ्तारी हुई है। शक के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि जासूसी का शक है इस मामले में। शाहिद गिलानी इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। हालांकि गिरफ्त में इसे लिया गया है तो पूछताछ का सिलसिला अभी इस व्यक्ति से जारी है। और एक और अहम खबर अब जेएनयू से, जहां पर एक छात्रा के मिसिंग मिस्ट्री सामने आई है। जेएनयू से एमफिल की छात्रा लापता है। 4 दिन का वक्त बीत गया है लेकिन इस छात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये छात्रा गाजियाबाद की रहने वाली थी। हालांकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि खाना खाने के लिए घर से बाहर निकली थी लेकिन उसके बाद से कहां है कुछ अता पता नहीं है। फोन किया गया, फोन स्विच ऑफ मिला। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने इस पर और डिटेल रिपोर्ट भेजी है, देखिए। जेएनयू की एक 26 साल की छात्रा लापता है। पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये छात्रा जो है वो जेएनयू से इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी का कोर्स कर रही थी। फर्स्ट ईयर की ये छात्रा है। बताया जा रहा है कि 10 तारीख को छात्रा की आखिरी बार बात हुई थी, फोन पर बात हुई थी, छात्रा के घर वालों से हुई थी, जब छात्रा ने ये बताया था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रही है। उसके बाद से ही छात्रा का मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ है, जिसके बाद घर वाले जो हैं वो उसके हॉस्टल में भी उसकी खैरियत जानने के लिए पहुंचे लेकिन हॉस्टल का कमरा बंद था, जिसके बाद घर वालों ने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस को की। पुलिस ने इस बाबत आईपीसी की धारा 365 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जो उसके जो लोग उसके टच में थे उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और छात्रा के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।